1000 रुपया देके आप नहीं थपथपा सकते। एक दिन सरकारी किसी हॉस्पिटल में कोई गरीब परिवार चल जाता है तो मिनिमम 10000 रुपया लगता है। तो मात्र 20 महीना का समय बचा हुआ है आपको, और मैं ये दावे के साथ इस हॉल में जवाबदेही के साथ बोल रहा हूँ कि 20 महीना में 50000 से ज्यादा नौकरी नहीं दे पाइएगा। और 32 का भाषण करके आप भाग नहीं सकते। ये संविधानिक कोर्ट ने संविधानिक नहीं माना। जब संविधानिक नहीं था तो संविधानिक विषय पर पहले विचार करना चाहिए था कि बाहर जाकर 7 लाख लोगों की राय लेने से अच्छा विधि में बैठे हुए लोगों की राय लेनी चाहिए थी आपको। आपने उनका राय उचित नहीं समझा, पॉलिटिक्स को ज्यादा समझा है। आपने राजनीति करना उचित समझा। कि जिस नौकरी की बात कर रहे हैं, जिस नौकरी के लिए पूरे राज्य को उलझा के रखा है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, आरक्षण, ये सारे आपके मूल विषय थे। परिणाम क्या है? तीनों नियोजन के ना स्थिति आप अनुकूल नहीं बनाने से सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के बच्चों को हो रहा है, उनको होगा। आप अगर खड़ा होकर, अभी ग्रामीण विकास मंत्री जी का जवाब आ रहा था और एक सदस्य का जवाब आया कि यह संविधानिक कोर्ट ने संविधानिक नहीं माना, तो फिर इतनी बड़ी ड्राइव करने की क्या आवश्यकता थी? जब संविधानिक नहीं था तो संविधानिक विषय पर पहले विचार करना चाहिए था कि बाहर जाकर 7 लाख लोगों की राय लेने से अच्छा विधि में बैठे हुए लोगों की राय लेनी चाहिए थी आपको। आपने उनका राय उचित नहीं समझा, पॉलिटिक्स को ज्यादा समझा है। आपने राजनीति करना उचित समझा और चले गए लोगों की भावना से खेलने के लिए, और ये ट्विटर गेम कर दिया आपने। ये ट्विटर गेम नहीं है, ये लोग समझते हैं, और नहीं समझते हैं तो समझाने का काम करना पड़ेगा आपको। इसके विकल्प पर जाना चाहिए था। कई प्रदेश है हमारे अगल बगल, लोगों ने श्रेणी के आधार पर नौकरी को बांटा है। आप श्रेणी के आधार पर बांट देते, क्योंकि मुझे इसका दर्द है इसलिए बोल रहा हूं, बांट देते बंगाल के तर्ज पर। नौकरी आपके पास है तो शहर गांव करके रिक्तियों के आधार पर श्रेणी में बांट दीजिए, और यह अवसर पंचायत को दीजिए, ब्लॉक को दीजिए। एक बड़ा अवसर लोकल जिसको आप देना चाहते हैं, हो सकता है विकल्प में जाकर आप पॉलिटिक्स गेम करने लगे। ये करना पड़ेगा आपको, आना पड़ेगा, इस राज्य के हित में पहल करना पड़ेगा। और आज अगर आप कोशिश भी करेंगे तो मात्र 20 महीना का समय बचा हुआ है आपको, और मैं ये दावे के साथ इस हॉल में जवाबदेही के साथ बोल रहा हूं कि 20 महीना में 50000 से ज्यादा नौकरी नहीं दे पाइएगा। आप 25000 लोगों को नौकरी या सृजन करने का दोनों करते, सरकारी नौकरी 3-3.5 लाख तो नौकरी सृजन करने का आधार क्या है? कितने डिप्लोमा, कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे आ रहे हैं, उनका भविष्य, उनका रोडमैप क्या है? आपका युवाओं का रोडमैप क्या है आपके पास? कोई चीज नहीं दिखता। इसको केवल परंपरा के आधार पर केवल चलाते जा रहे हैं। मैं केवल कुछ विषय जो मुझे छूता है मैं आपको बोल रहा हूं। ये बजट मात्र केवल करोड़ का गात सुनने से कोई आपके एसटी एससी ओबीसी और मेरे गांव में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आ रहा है। कभी खड़ा हो, ठहरो और लोगों के बारे चिंता करिए तो आपको समझ में आएगा। गरीब गुरुआ के हालात को देखिए, कैसे वो जीवन बसर कर रहे। मैंने यही बात बोलना चाहा था कि 1000 रुपया देके आप नहीं थपथपा सकते। एक दिन सरकारी किसी हॉस्पिटल में कोई गरीब परिवार चल जाता है तो मिनिमम 10000 रुपया लगता है। कंक्लूड कीजिए। हाँ करेंगे, क्योंकि मैं सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूं। सुझाव दे रहे हैं आप? नहीं, सरकार की तारीफ करते तो कर सकते थे। सुझाव सरकार के लिए बढ़िया है। मैं बैठा रहा इसलिए, मैं बहुत ही रहता हूं, मैं सुनता हूं बैठा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा मैडम, मैंने सभापति से, यह सरकार की तारीफ सुनने का एक आदि होता है। मैं कॉमन हूं, मैं इसीलिए इस बात को मैं बोल रहा हूं। समय के ख्याल से मैं आज जाने दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं इस सब्जेक्ट में आपके साथ हूँ। मैं इस सब्जेक्ट में, सरकार अगर यहाँ खड़ी रही, यहाँ भी रहे, आप राज्यपाल के यहाँ गए, हम दिल्ली गए, जहाँ जरूरत पड़ेगा इस राज्य के लिए हम रहेंगे साथ। इसमें कोई दो मत नहीं है मुझे। बोलिए। मैं तब भी सड़क पर था, मैं, आप मेरी बात करो, मैं सड़क पर था पांच साल सड़क पर था मैं, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ में 5 साल लगातार। माननीय सदस्य बोलिए। मैं यही इन चीजों को, इन आंकड़ों को
रख रहा हूं मैं बेसिक एक एक आंकड़ा, केवल ये जाल न बुने, अपने विवेक से चलना चाहिए शासन, राजनेताओं को अपने विवेक से चलाना चाहिए। राजनेताओं को अवसर आता है, सत्ता मंत्रालय अवसर होता है, आप अपने विवेक से अपने लोगों के हित के लिए आपको सोचना पड़ेगा और उनके लिए करना पड़ेगा और कमिटेड वर्क करके चलिए। ये राज संजीदा, इस राज्य की आवश्यकता, इस राज्य के लिए हम सभी लोगों को बहुत काम करने की आवश्यकता है। ये केवल बजट टू बजट ना चलेगा। मैं सरकार, मैं इनके लिए यही कहूंगा, पिछले बार मैंने कहा था ये कागज का ही है, मेरा एक इस सरकार के लिए कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजर में, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सदा पाई है, यही होने जा रहा है। ये गलती अभी करेंगे, होगेगा कार, यही कहकर अपनी बात को अंत करते हैं।